भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज रो पावन प्रसंग प्रारंभ है। मीराबाई भक्ति और प्रेम रो ही स्वरूप हो। सजनों धन्य है जो एक राज परिवार राज घराने में जन्मी, फिर भी अनाशक्ति त्याग वितरागीता विराग, ये तो मानो मीरा रो जीवन ही यही हो। कभी भी संसारी कोई चीजों के प्रति मीरा भाई आशक्त नहीं हुआ। आज जीवन भर कोई चीज सु नहीं नहीं जुड़ियो, सब चीजों तोड़ और पूर्व जीवन पर्यंत एक ही लगनी लागोड़ी परमात्मा सु भगवान सु बाल्यकाल सु। सजनों सारी सुख सुविधा मिलते हुए भी बहनों त्याग करनो अनाशक्ति ये बहुत कठिन काम है। एक तो कोई गरीब घर में जन्मे है जिसके पास में कुछ नहीं, वो तो त्याग कैसे करे है, स्वतः ही त्याग। पर ये तो कुछ होते हुए भी वे में आसक्ति नहीं बनी, ये बहुत बड़ी बात है। आप सोच सको मीराबाई के पास में कहीं कमी है? वो तो राजकुमारी थी, सारी सुविधा बूठे हाजिर ही, पर भी फिर भी संसारी नश्वरता ने मीराबाई समझी ही। और संत फरमायो है, झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम। बोलो, झूठी कुल की संपदा, झूठा तन धन धाम। दरिया साचा देखिया एक साहिब जी राना, दरिया साचा देखिया एक साहिब जी राना। सदगुरु जी महाराज की वैसे महापुरुषों की दृष्टि में या राज काज धन दौलत परिवार ये झूठ मिथ्या है, स्वप्नरी मानती है। वाणी में स्वप्न बतायो, ये स्वप्नरी माया है जो आंख बंद होते ही बंद हो जाए, ये स्वप्न है। पर मीरा ने बाल्यकाल से ये प्रतीति हो गई। वैसे मीराबाई के संबंध में देखे जाओ तो वो कर्मों रे बंधन रे साथ में जन्म नहीं लियो हो, वो तो मुक्त पुरुष था, जन्म से ही मुक्त था। जैसे सामान्य प्राणी रो जन्म कर्म बंधन रे साथ में विया करे, पर मीराबाई तो कर्मों से पहले ही मुक्त था, फिर भी मारो जीवन चरित्र मु आपा ने ये समझनो है। सजनो मीरा सारी चीजा ने स्वप्नवत मान ली और परमात्मा नहीं एक सत मानिया हा पूरे जीवन काल में। सजनो स्वप्न ही है। एक समय राजा जनक जी ने स्वप्न आयो, स्वप्न आयो तो वे देख है कि स्वप्न में राज काज हारगा, कुछ नहीं रियो मेरे पास में, सारी धन संपत्ति लोग लूट ली छीन ली और भिखारी बन गया, और भिकरो कटोरो लियार घर घर घूम रहा है। वे एक घर में कुछ मिलियो हो, इतनी देर में और कोई दूसरो भिखारी आयो, वो जट से भी कटोरा नहीं छीन रहे वो भाग गो। और जनक जी ऐसे स्वप्न में रो रही, अरे रोटी, अरे रोटी, रोटी दो, रोटी दो, ये भाग रही हो, रोटी ले जा रही है, ऐसे कह रिया है। इतनी में नींद खुली, राजा जनक जी की ये कैसे स्वप्न आयो है, ये स्वप्न रो कहां अर्थ है। पंडित पुरोहिता ने बुलाया, सब अपनी अपनी मीटिंग ली हुई, इस स्वप्न रो का अर्थ है ये, मैं अभी जो देख रही हूं, मैं अभी तो राजो हूं, रात्रि समय में मैं भिखारी वेगो, वो सच कहीं है। जब कहे सजनो महान ऋषि अष्टावक्र जी आया है, और अष्टावक्र जी ऐसे जनक जी ने समझाया है कि रात जो भिखारी बनियो हो वही सपनो झूठो हो, और अभी तो राजा है ये भी झूठ है, दोनों ही झूठ है, और दो नारी प्रतीति करने वालों जो आत्म स्वरूप है वो सच है। संसार स्वप्नवत ही है सजनो, संसार सपनो है, पर अज्ञान तारे आवरण के कारण सो आपा ने ये सत भाषी तेरी हो। मीरा बाल्य अवस्था में ही मुक्त वेगी ही और मुक्त पुरुष ही हो। तो अब सजनों
समय बीती जना राज परिवार जो बच्चा बच्ची रहता ना पुराने समय में राजा महारा बे बालकों ने शिक्षा दी जाती है घुड़सवारी री तीरंदाजी री तलवारबाजी री। तो राव दूदा जी के भाई बच्चा ने ये सब सिखाओ, मीरा ने सिखाओ, जेमल ने सिखाओ। जेमल जो वीरम देव जी रा पुत्र हा, राव दूदा रा सबसे बड़ा पुत्र वीरम देव जी रा पुत्र हा जेमल जी जारे भगवान प्रकट हुआ वो मीरा रा भाई साथ साथ खेलता था। तो जयदेव जी ने तो बाल अवस्था में तीरंदाजी रो घुड़सवारी रो अस्त्र शस्त्र भाला रो शौक, पर मीरा ने नहीं हो, क्योंकि मीरा तो भक्ति पर आए ना है। मीरा कह नहीं 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 ऐसा नहीं, नहीं करनो है कुछ। तो जेमल जी तो बचपन में ये सारी चीजें सीख गया। तो जेमल जी मीरा ने बोले, मीरा तू युद्ध करनो सीख जा और ये अस्त्र शस्त्र बाजी सीख जा। मीरा के किर वास्ते युद्ध करनो है और युद्ध करनो क्यों है, युद्ध की जरूरत कट पड़े है इस जीवन में। मीरा तो भक्तमती ये चीजा में बिल्कुल कोई रुचि दी ही नहीं है सजनों, पर जेमल जी ने ये शिक्षा जरूर दी कि युद्ध तो सीखे है तू जेमल, पर कभी अपने स्वार्थ ने ले झगड़ो मत कर दे, कभी स्वार्थी सोचरे साथ में युद्ध मत कर दे। यदि तू सचो क्षत्रिय है तो धर्म री रक्षा रे वास्ते युद्ध कर सके है। ये मीरा बाल्य काल में जेमल जी ने उपदेश दिया, धर्म री रक्षा रे वास्ते युद्ध कर सकते है और अपने स्वार्थ वास्ते जो युद्ध करेला तो बीमे घाटो है हानि है। समय बीती गई, एक दिन यू सजनों मीरा बाल अवस्था में ही बैठे ही इतने में देखे मीरा बाई रो जो महल है, महल रे सामू ढोल लगाड़ा बाज रिया है, काफी लोग जा रिया है और एक घोड़ी रे माते दूल्हे रूप में एक भाई बैठो है। जब मीरा भी दर्शन ने देखे तो मीरा अपनी माँ ने पूछे, जो मारो नाम हो देखो कई नाम हो, कल बतायो था नाम भूल गए थे बताओगा नहीं, वीर कुंवरी जी मीरा बाईरी माता रो नाम मैं भूल गो भाई, वीर कुंवरी जी नाम हो मीरा री माता रो। मीरा री माँ के बेटा ये जो थारी सकी है ना एक, हाँ वो थारी फलानी सकी रिया शादी है विवाह है, तो ये बारात जा रही है बिन ब्याह में और जो गोड़ी री माते बेटो है वो इरो भी सकी रो थारे पति है दुल्लो है। तो मीरा बाल स्वभाव से पूछे, सब संतों री वाणी में ये प्रसंग आयो है, संत साग दी भी समय मीरा बोले कि तो मारो पति कटे है। बाल स्वभाव से पूछ लो मारो पति कटे है, मारो पति कटे है तो मेरी माँ हाँ सर के अभी तो बच्ची कि नहीं 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 मने भी पति जो जे पति कटे है मारो। तो ज्यादा आट करियो तो वो भगवान कसम दी जैसे ठाकुर जी महाराज री मूर्ति ही माँ के यही तो थारो पति है जीरो तू हमेशा सेवा पूजा करे ठीक है यही पति है ना, हाँ तो पतिव्रता नारी एक पति में शादी करे, हाँ हाँ पतिव्रता नारी दी तो पूरे जीवन पर्यंत एक ही पति रहे, तो अब कही जे मत यही मारा पति है परमात्मा, यानी ऐसे संकल्प मन में भाव और साथ में मीरा कह रही है। और मीरा तो प्रेम मूर्ति ही सजनों, सावन रा दिन हा और मीरा आज मन ही मन संकल्प करियो के भगवान मारे पति है, भगवान ही मारा सब कुछ है, जो पूरी सृष्टि का मालिक है वो ही मारा पति है। सजनों श्रावण का दिन हा, बारिश बरस रही थी और मीरा प्रेम में ऐसे पद गा रही है, आज तो सांवरियो मारे घरे रे, आज तो सांवरियो मारे घरे रे, आज तो सांवरियो मारे घरे रे, बारी घर में और ये हृदय रूपी घर में, हृदय रूपी मन रूपी घर में, मन रूपी सैया माते भी भगवान विराजित थे। आज तो गाइए सांवरियो मारे घरे रे, मैं हाँ बरस बो करे रे हो
आज तो सांवरियो मारे घरे रे, आज तो सांवरियो मारे घरे रे, आज तो सांवरियो मारे घरे रे, नैनी नैनी बूंद मेघ की बरसे, नैनी नैनी बूंद मेघ की बरसे, सूखा सरोवर भरे रे हो, सूखा सरोवर भरे रे, आज तो सांवरियो मारे घरे रे, गाइए आज तो सांवरियो मारे घरे रे, आज तो रामैयो मारे घरे रे। और ये विधि बहुत समय बाद बनी है, बहुत समय बाद ऐसी परमात्मा की कृपा जो भी है कि ये जीव आज परमात्मा की तरफ लग्यो है, मानव जीवन में आ रहे। घणारे दिनासु प्रीतम पायो, घणारे दिनासे प्रीतम पायो, बिछुड़न का मोहे डर रे, बिछुड़न का मोहे डर रे, मीरा के अति नह जुड़ियो है, मैं पायो पूरब लोवर रे, मीरा के अति नह जुड़ियो है, पायो पूरब लोवर रे, आज तो रामैयो मारे घरे रे। बोली भक्त शिरोमणि मीरा बाई जी महाराज की, ये प्रेम भावरा पद है। आज तो रामैयो मारे घरे, बहुत दिनाते प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे, मीरा से अति नह जुड़ियो है, मैं पायो पुरबलो वर रे, वो वर जी वर ने सारा संत वरियो हो, सो ही कंत कबीर का दादू का महाराज, सब संतन का बाल मार दरिया का सिरतार, दरियाव जी महाराज के वो वर जी वर ने कबीर साहब वरियो हो, जी वर सो प्रेम दादू जी महाराज करियो हो, वो ही पति महारो असली पति है परमात्मा। सजनो जो संतो इतो लिख दियो कि ये पूरी सृष्टि का जितना भी मानव है, ये सब स्त्री रूप में है, और पुरुष तो इस संसार में एक ही है, वो कौन है, वो है परम पुरुष परमात्मा ही, असली पति है, असली धनी है, ये सुरती ये आत्मा। जद भी परमात्मा प्रेम करते करते एक दिन भी परमात्मा में ही मिल जाया करे, एक दिन वो परमात्मा अंग लगा लिया करे, इस सुरती ने ये जीव आत्मा ने। सजनो जीवर ने रानाबाई वरियो हो, बचपन में ही मीरा री तरह रानाबाई भी कयो हो, अखंड सुहाग अमर वर पाया, तेज पुंज की जिनकी काया, सदा सजीवन मरे नहीं मारिया, और मरमर जाय जके वर वारिया, मल मूत्र को माने नहीं भावे, और मुर्दो मरे कुण राम के वावे। धन्य है रानाबाई जीवर ने फूली बाई वरियो हो, फूली बाई रा नानो कहे के फूली बड़ी वेगी है, नाने छाने जान बुलाई, कन्या कवारी परणोरे भाई, फूली केवे कवारी परणे, मैं तो पार ब्रह्मपति शरणे, फूली के कोई कवारी वे तो परनी जे नाना जी, मैं तो पर ब्रह्म परमात्मा री शरण हो गई हूं। पर ये स्थिति ऐसे नहीं बने सजनो, ये स्थिति तो जब आत्मा पूरी संसारी चीजों हट जावे और एक परमात्मा री तरफ लाग जावे, जब ये स्थिति बनिया करे। धन्य है सजनों, करो भी परमात्मा रे प्रति प्रीति, करो भी परमात्मा रे प्रति सुने है, जो गुरु महाराज नाम दियो है भी नाम रो रटन करो। दादू जी महाराज रे दो शिष्या ही,
रामा कुमारी और श्यामा कुमारी, तो रामा कुमारी श्यामा कुमारी जवान ही भी समझ दादू जी री सत्संग करती है। तो कुछ लोग निंदक है जो राजा मान सिंह जो भी समय जयपुर बिराजता, राजा मान सिंह ने जाए कहे राजा साहब वो रामा कुमारी श्यामा कुमारी दादू जी महाराज रे पास में रह बड़ी बेगी है, कहीं मेरे पिताजी गरीब है, कहीं शादी रो पैसा नहीं है, कहीं तो थे करवाड़ दो शादी। देखो निंदक नुगरा लोग कैसे बात करी, क्योंकि मैं महापुरुषों री मैं भक्तों री गति संसारा लोग नहीं समझ सके, क्योंकि वह तो अंदर में भीतर में इता जो तर जावे भक्तियों के बेने संसारिक चीजें अच्छी नहीं लगे, वे तो अंतर्मुखी लिया करे संसारिक लोर बाग मुखी लिया करे। तो मान सिंह जी दरबार में बुलाया रामा कुमारी श्यामा कुमारी, अरे थे बड़ी बेगी हो, मेरे पिताजी ने बुलाया, शादी का पैसा नहीं है तो पैसा दे दो। इस समय रामा कुमारी और श्यामा कुमारी एक स्वर में बोले कि जो वर वरिया कबीर ने सो ही वर वर हूं, मनसा वाचा कर्म नाम में और नहीं कर हूं। जी वर ने कबीर साफ प्राप्त करियो है भी परमात्मा ने मैं वर रूप में स्वीकार करियो, कहीं तो मेरे साथ में संबंध करा सके मारो, कहीं बोले वो राजा बताओ आप, कुछ नहीं बोले। सजनों धन्य है ऐसी भक्त आत्माओं ने जो परमात्मा से प्रीति करी है, और जो परमात्मा से प्रीति करी है वे जन्म मरण रे बंधन से मुक्त हुआ है। सजनों जो परमात्मा रे परमात्मा पति रे साथ में फेरा लिया है वो आत्मा ये मुक्त वेगी, परमात्मा रे लोक में चली गई, जन्म मरण में नहीं आई, वो अमर वेगी सजनों। और जो संसारी तृप स्नेह करियो है चला गया नरक में सजनों। मीरा कहे ऐसा प्रभु जानन दीजे रे, गाइए ऐसा प्रभु जानन दीजे रे, तन मन धन करूं वारणा रे, तन मन धन करूं वारणा, हृदय धर लीजे रे, हृदय धर लीजे रे, ऐसा प्रभु ने जान मत दीजे रे, ऐसे प्रभु जान मत दीजे रे। मीरा बाई भगवान ठाकुर जी छवि ने देख रहा है और ये पद गा रिया है, तो मीरा बाई भी जो सखियां ही दासियां ही जो सेविका ही जो मीराबाई रे पास रहती है, एक रो नाम हो मिथिला, एक मत मिथिला जो नाम री दासी ही, वो रात्रि समय में उठे और देखे ये इतना भाव भरा पद कौन बोल रही है, तो आगे देखे तो मीराबाई जी ये पद गा रिया है भगवान री मूर्ति री सामने, आंखिया में अश्रु धारा बह रही है। तो मीराबाई कहे आव सकी मुख देखिए नेनारस पीजे रे, हे सखी आओ भगवान री छवि तो देखो, बोलो आव सखी मुख देखिए नेनारस पीजे हो, जिन विद सूरी जे राम जी रे, जिन विद सेरी जे राम जी रे, सोई विधि कीजे रे, सोई विधि कीजे रे, ऐसा प्रभु जानन दीजे रे, ऐसा हरि ने जानन दीजे रे, आव सकी मुख देखिए नैना रस पीजे रे, जी विधि रीजे राम जी सोही विद कीजे रे, जी विद सु परमात्मा राजी वे वो कार्य करो, परमात्मा कैसे राजी वे, परमात्मा भक्ति सु प्रसन्न रे, परमात्मा और कुछ नहीं देखे, केवल भक्त रो भाव देखे है, भक्तरी लगनी देखे है, भक्तरी निष्ठा देखे है, भाव रे साथ में भक्ति करो आप, कुछ भी कार्य करो परमात्मा रे वास्ते तो भाव और प्रीति पूर्वक करो, नफो नहीं है वस्तु में,
नफो भाव में होई, बाव बिहुना किसन दासर बैठा पूंजी खोई। मीरा कहे सुंदर श्याम सुहावना मुख, देख्या ही जी जे रे। सुंदर श्याम सुहावना मुख, देख्या ही जी जे रे। मीरा के प्रभु श्याम जी रे, मीरा के प्रभु श्याम जी, बड़ भागन सुरी जे रे, बड़ भागन सुरी जे रे। ऐसा हरि ने जान मत दी जे रे। ये अवसर मिलियो है, मानव जन्म रूपी मोखो मिलियो है कि मानव जीवन में ही परमात्मा रूपी वर ने प्राप्त कर सका सजनो, और कोई जूनी नहीं है। तो मीरा कहे इस जीवन में ऐसा कार्य कर जाओ, ऐसी करनी कर जाओ कि जी करनी सुर जी कार्य सु परमात्मा प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, वो कार्य कर जाओ। सजनो जिरे माते परमात्मा प्रसन्न हो जावे ना, मेरे कोई प्रकार घटो नहीं रहे। ये पूरी दुनिया एक तरफ, राम जी एक तरफ, चाहे पूरी संसार नाराज हो जावे, और जिर माते राम जी राजी है बिरो कोई बाल भी बांको नहीं कर सके, और जिर माते पूरी दुनिया राजी है राम जी बेराजी बेगो तो बिरो कोटी ठोट ठिकानो है कहीं, कोई ठोट ठिकानो नहीं। सजनो वो विधि संत बता रहा है वाणी जी के माध्यम से, वो परमात्मा कैसे लीजे। धन्य है दरियाल जी महाराज सतपुरुष, वो वृहणी रूप में जैसे मीरा अपने आपने परमात्मा की पत्नी कहो है, वैसे दरियाल बाप जी भी अपने आपने परमात्मा की अर्धांगनी कहो है वाणी में, और भी परमात्मा पति की महिमा करी है। प्यारे के हूँ मेरे तीर जीरी बाता, क्या के हूँ मेरे तीर जीरी बाता, जोरे के हूँ सोई अंग सुहाता, जोरे के हूँ सोई अंग सुहाता। प्यारे के जब मेरे ही कन्या रे कवारी, जब मेरे ही थी गाइए, तब मेरे कर में होता सिर बारी, तब मेरे कर में होता सिर, जब मेरे मेरे कर्म होता सिर भारी, कुंवारी कन्या अर्थात जब तक
ये सुरती जो परमात्मा की तरफ लगी नहीं, परमात्मा की कोई खबर नहीं, तब तक ये सुरती रूपी कन्या कुमारी और बड़ा भारी कर्म होता है। फिर जब मेरे पिया जी से मन सा दौड़ी, जब मेरा पिया जी से मन सा दौड़ी, अरे सतगुरु आए सगाई जोड़ी, सतगुरु आए सगाई, क्या के उरे मेरे पिया जी री बाता, क्या के हूँ मेरे जो के हूँ सोई अंग सवाता, जो रे जब मैंने पिया जीरा मंगल गाया, जब मैंने पिया जीरा मंगल, तब मेरा पिया परणी जन आया, तब मेरा पिया परणी जन, हाँ क्या कहूँ मेरे पिया जीरी बाता, क्या कहूँ मेरे जोरे कहूँ सोई अंग सुहाता, जोरे कहूँ सोई, अरे हतड़े वो दे बैठी रे संगा, हतड़े मेरे पिव जी लीवी अपने अंगा, जब मेरे पिव जी लीवी रे, अरे क्या के हूँ मेरे पिया जी री बाता, क्या के हूँ मेरे जोरे के हूँ सोई अंग सवा, जनदरिया के वे मिट गई दूती, जनदरिया के वे मिट गई, अरे आपो अरपे पिया रे संग सूती, आपो अरप पिया, अरे क्यारे के हूँ मेरे पिया जीरी बाता, ब्याह में तो गीत गणे गावो नहीं, पण भगवान रा गीतो रा गाजे भाई, अरे ये तो परमात्मा ने राजी करने वाला पद है महापुरुषों रा, सब बोलो। जन दरिया केवे मिट गई दूती, जन दरिया केवे मिट, आपो अरपे पियारे संग सूती, आपो क्या कहूँ मेरे पिया तेरी बाता, क्या कहूँ मेरे जोरे कहूँ सोई अंग सुहाता, बोलो राम जी महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। व्रेही जन आरत भाव सु परमात्मा रे विषय में कह रहा है कि क्या बाता, और जो कहूं सो मेरा अंग सुहा था। तू प्रथम ही बोले कि जब मैं रही थी कन्या कुमारी, तब मेरे कर्म होता सिर भारी। जब तक ज्ञान नहीं है,
जब तक विवेक नहीं हो, जब तक ये परमात्मा की सार समझ नहीं आई, तब तक कन्या कुमारी और कर्म सिर माते भारी होता है। पर जब मेरा पियाजी से मनसा दौड़ी, जब ये भाव पैदा हुए कि परमात्मा ने पाना है, तो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने वाला, सगाई कराने वाला कौन हा कि मेरे सदगुरु आई सगाई जोड़ी। अब भजन गावा ना, सुरता दी से रूप स्वरूप कुंवारी क्यों रे रही, अरे माने सतगुरु मिलिया नाए इता दिन यूं रे रही, ओ माने सतगुरु मिलिया नाए इता दिन यूं रे रही। माने सतगुरु मिलिया नाए, संत नहीं मिलिया, तब तक ऐसे ही व्यर्थ में दिन चला गया बिना भक्ति बिना सुमरन। भी परमात्मा रे साथ संबंध वे कैसे, अरे प्रेम गेरी पीठी रे कराए ज्ञान लख लोलिया, बोलो प्रेम गेरी पीठी रे लगाए ज्ञान लख लोलिया, अरे ई जरुणारो खंब रो पाए तोरण हद भानिया, बोलो झरणारो थंब रूपाए तोरण हद भानिया, बोलो राम जी महाराज की। प्रेम री पीठी, पीठी कह रही करनी प्रेम रे साथ में भक्ति करनी है, भक्ति में प्रेम नहीं है परमात्मा प्रसन्न नहीं है। प्रेम पूर्वक की गई भक्ति शो परमात्मा रीजे भाई। दरिया जी महाराज फरमावे कि जब मैं पिया जी का मंगल गाया तब मेरे पिया परनिजन आया, जब मैं पिया जी रा मंगल गाया परमात्मा रो जस गायो परमात्मा रे नाम रो स्मरण करियो, जद मेरे पिया जी परनिजन आया हतले वो दे बैठी संगा, तब मेरे पिउजी मुझे लीनी अंगा जन दरिया कह मिट गई दूती और आपो अरपन प्यारे संग सूती, कैसे के आपो अभिमान अरे धन रो पद रो और दौलत रो संपत्ति रो महिमा रो अभिमान ले रपा राम जी रो भजन करा हा वो परमात्मा प्रसन्न नहीं रे। ये अभिमान रूपी बोझ ने नीचे उतारो ला जद परमात्मा स्वीकार करेला भाई, जद परमात्मा अपने अंग लगावेला और फिर तो द्वैत भाव मिट जाए, जन दरिया कह मिट गई दूती और आपो अर पिया संग सूती, ऐसे वो परमात्मा राजी वे भाई। धन्य है मीरा ने जो बचपन में ऐसा भाव बनिया मीरा रा, समय बीती मीरा बड़ी होने लगी, पर जैसे जैसे मीरा बड़ी होने लगी उत्तरोत्तर मीरा री भक्ति बढ़ती गई। तो रणीवास में ये बात फैली और चर्चा होने लगी कि मीरा तो साधु संत कोई पधार जावे तो सत्संग में बैठे, वर्ण हर दम भगवान रो ध्यान करे है, गले में तुलसी री माला रखे है, यानी ये श्रृंगार करती ही बचपन में, तिलक लगावे है तुल ये चंदन रो और भगवा वस्त्र पहने है, क्योंकि मीरा ऐसे बालक स्वभाव री ही मीरा सोचती भाई ये संत भी भगवा वस्त्र पहने कोई सफेद वस्त्र पहने कैठा है वस्त्र राम जी राजी वेता वेला, तो वो भी ऐसे भगवा वस्त्र पहनती क्योंकि अभी बाल बुद्धि ही ना। फिर जैसे जैसे आगे उत्तरोत्तर बढ़ता जाए रविदास से मिली फिर तो सारो संत से मिट जाए, पर अभी बचपन में फिर भी किता शुद्ध भाव। ये बात फैलती गई बड़ी वेगी है मीरा सगाई भी करनी पड़ी, ये पराए घर जाए ये भक्ति कैसे चल रही। तो एक दिन चर्चा चले मीरा राजू सबसे बड़ा पिताजी बीरम देव जी और बीरम देव जी की पत्नी राणावती जो राणा सांगारी सगी बहन, जो राणा सांगारी सगी बहन मीरारी जी की बड़ी माता राम हा
चर्चा चलती कि भाई मीरा बड़ी वेगी है, सगई संबंध करनी है, कोई योग्य वर वे तो ऐसे चर्चा करे। तो भी समय बा राणावती कहे वीरम देव जी ने कि एक वर मारी नजर में है और वो वर कौन है बताओ। तो वो मर वर मारे भतीज भोजराज मारे भाईरो बच्चो वो ठीक है संबंध है जाहिर अपने पुराने समय में ये संबंध है आपस में जान पहचान है तो मारे भतीज रे साथ मेरे संबंध कर दो। वो भी सुशील समझदार राणा सांगा भी हष्टपुष्ट सुंदर और ये भोजराज जी भी अच्छे बच्चा है 20-22 साल की अवस्था है मेरे साथ संबंध कर दा तो ठीक। ये चर्चा जब चली तो पहले के वे रनिवास में चर्चा चली जन क्यों अभी तो मीरा री बाल बुद्धि भी नहीं गई है अभी मीरा ने समझाओ धीरे धीरे आप भक्ति अब छोड़ देवे क्योंकि अब बात है जी की आप बार हो रही है और ज्यादा लगने लागी तो फिर ये काम कठिन है जावलो शादी विवाह रो। चर्चा चली जना मीरा बाई रा पिताजी रतन सिंह जी वे भी चर्चा करी क्यों आप कुछ कहो मीरा ने कि नहीं नहीं मीरा ने कह नहीं सका क्योंकि मीरा दादारी लाडली बेटी है मीरा रा दादो जो राणा सांगा हा मेरी मेरो बहुत जीव हो मीरा माते मीरा ने कोई मत कहो क्यों करो आपा कहा रतन जी क्यों मैं मारे पिताजी ने कहूं तो मीरा ने कैसे भी कर समझावे गया रतन सिंह जी के पिताजी आज कुछ कहनो है के कहीं कि मीरा बड़ी वेगी है रही है सखियों रे साथ नहीं खेले रे बाकी चीजों में रुचि नहीं ले अभी री सगाई भी करनी है थोड़ी समझाओ के भाई ज्यादा सत्संग में मत जा ज्यादा ये राम राम मत कर ज्यादा ये जो साधुरी तेरे री श्रृंगार अब थोड़ी चली अब बड़ी वेगी अब ठीक थोड़ी लागे तू तो राज घराने री बच्ची है। तो एक दिन राणा सांगा पास में बुलाई और बोले राणा सांगा कहे मीरा ने बाबू साबर जे हो मीरा बाई लाडला काई कहे बाबू साबर जे हो मीरा बाई लाडला थे चंदन री टीकी छोड़ हरीरा भजना में थे तो चंदन री टीकी छोड़ हरीरा भजना में। हे मीरा ये कहीं साधु वेश धारण करी चंद्रा कहीं टीका लगायो है। तो मीरा तो प्रेम करती ही दादाजी तो मीरा बोले चंदन री टीकी हो बोलो चंदन री टीकी हो बाबू शाह नहीं छूटे ये चंदन री टीकी। अरे माने कोनी रे टीकारो कोड हरीरा भजना में अरे माने कोनी रे टीकारो कोड हरीरा भजना में माने ये दूसरा टीका टमकनारा कोड नहीं है दादाजी ये अच्छा नहीं लगे फिर समझावे दादू जी दादू सा बाबू शाह भरजे हो मीरा बाई लाडला थे तो तुलसीरी माला छोड़ हरीरा भजना में गाइये तुलसीरी माला छोड़ हरीरा भजना में। छोड़ो मीरा ये तुलसीरी माला कैसे पहनियो तुलसीरी माला हो गाइये तुलसीरी माला हो बाबू सा नहीं छूटे गाइये तुलसीरी माला हो बाबू सा नहीं छूटे अरे माने कोनी रे हार रो कोड हरीरा भजना में माने कुनी रे हार रो कोड हरीरा भजना में। तुलसी री माला छोड़ो राजकुमारी हो गले में नवसर हार पहनो नवसर हार आपने गले में शोभा दे। मीरा के नहीं नहीं माने नवसर हार रो कोड कोनी है बुढ़ कहीं देखो ये तो छोड़ दिया है। बोलो राम इधर देखो तुलसी री माला हो बाबू सा नहीं छूटे
माने कोनी नवसरा हरो कोड राम जी रे भजना ने। और कहे बाबू साबर जे हो मीरा बाई लाडला, अरे साधारी संगत छोड़ हरीरा भजना में, साधारी संगत छोड़ हरीरा भजना में। आप ये संतोरी संगत छोड़ो, काई बोले साधारी संगत हो बाबू सा नहीं छूटे, संतोरी संगत नहीं छूटे। क्यों? अरे माने कोनी रे रमण रो को हरीरा भजना में, माने कोनी रे सहेली आरो को हरीरा भजना में। वाह वाह, परमात्मा री भक्ति नहीं छूटे, छोड़ू तो छूटे नहीं। रामैया की बाण जैसे अमली अमल को सौंपिया तन मन प्राण। अरे अमली आदमी अमल छोड़ सके है? नहीं छूटे। महात्मा कहे अमली के चित अमल बसे लोभी के ज्यों दाम, अमली के चित अमल बसे सूरा के संग्राम, लोभी रे चित धन बसे यूं दादू के राम। ऐसे राम जी दादू जी महाराज के भक्त ने प्यारा लगे, छूटे नहीं। हाँ संतों सो पकड़ी, सो पकड़ी कामीने कामण प्यारी लोभी ने ज्यू दमड़ी। हाँ ज्यू कामीने कामण प्यारी लोभी ने ज्यू दमड़ी, रामा लोभी। संत
हाँ ज्यों दीपक ने तेल पियारो पावक ने ज्यों चमरी। हाँ ज्यों दीपक ने तेल पियारो पावक ने ज्यों हाँ संतारी सरणे हरि गुण गावो जीवन सुधरे हमरी। हाँ संतारी सरणे हरि गुण गावो जीवन बोलो राम जी महाराज की जय हो। ऐसी टेक ऐसी निष्ठा ऐसी आतुरता जद बने है वो परमात्मा मिले है। उदाहरण दियो है वाणी में कि जो सूरों ने शस्त्र लीना सूरवीर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने वास्ते जावे आत्म शस्त्र ले निकले तो वो जीवन मरण री परवाह नहीं करे है। बीरो लक्ष्य युद्ध रहे अब चाहे जीतो और चाहे हारो बीरी टेक एक ही रे युद्ध में जानो है वो मरने सो नहीं डरे और मरने सो जो योद्धा डरे है वो कदी युद्ध जीतिया नहीं करे। बाजे रे बीड़ भारत सामो सूरा सत नहीं आ रे दोनों पकवाड़े जस है बेणो के मरे न के मारे। अरे सूरवीर मरे तो सही द्रो दर्जो मिले और जीते तो और कोई नाम मिले हर देश में वाह ही। सूरवीर की उपाधि दी है उदाहरण दियो है सूरवीर रो जैसे दरियाल जी महाराज के साध सुर का एक अंग मना नहीं भावे झूठ साधु तो छोड़े नहीं राम ने और बे रण में फिरे नहीं पूठ। साधु तो राम राम नहीं छोड़े और सूरवीर जो व्या करे ना वो युद्ध में पूठ नहीं बताया करे। मीरा बाई तो ये वो भक्तमती और संतरो ये एक संत राम राम नहीं छोड़े सब कुछ छोड़ सकूं हे दादो जी ये भक्ति नहीं छूटे। सूरवीर उदाहरण साथ दियो है ऐसे तेज। कल कारगिल दिवस हो कल रे दिन कारगिल दो युद्ध समाप्त हुई हो भारत पाकिस्तान रे बीच में हो और बहुत बर्फीली जो पहाड़ियों रे माते हो पर भी सूरवीर युद्ध में पुट नहीं फेरी ही तो कल कारगिल रो युद्ध भारत जीतियो हो। कारगिल दिवस रे रूप में आज भी मनायो जावे। अरे वे सूरवीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद इत्यादि भारतीय स्वतंत्रता रे वास्ते अपने प्राणा को बलिदान दे दियो हो और बेने पतो हो कि जब तक मराना नहीं
जब तक देश ने स्वतंत्रता नहीं मिलेला एडी टेक रे साथ में भी युद्ध करियो, आज भी वे पूजा जावे भाई, पर बेंगी टेक टेक जी सुरवीरी जैसे युद्ध में टेक रहे। पर ऐसे ही भक्त्री टेक रहे जैसे महाराणा प्रताप दिया, तो जिस समय अंग्रेज भारत माते भारत ने पूर्व इस्लामीकरण करनी चाहता, ये मुगल अकबर इत्यादि देश लूट रिया हा, बड़े बड़े राजा मेरे अधीन वे रिया हा, पर सजनों बी समय मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करी राणा प्रताप, चाहे भूख मरूं चाहे प्यास मरूं, मेवाड़ री धरा आजाद रहे, मेवाड़ री माइड भूमि यदि ये इस्लामिक मुगलों रे अंडर में आएगी तो संतोला राम द्वारा बंद जाइए, मंदिर ने तोड़ दी, मस्जिद बनाए दे, बेने बिकनो पड़ियो हो, यानी के बेने पूरो सब कुछ छोड़ जंगल में घास फूस री रोटी खानी पड़ी, पर वे अपनी टेक नहीं छोड़ी भाई। वे सुरवीरा रो उदाहरण देते हुए कहे कि सुरों के सिर श्याम है, साधो के सिर राम, दूजी दिशा ताके नहीं पड़े जो कलडा काम। दरियाओ महाराज जी सुरा ने शस्त्र लीना और बनी लीनी तकड़ी, बाणियों ताकड़ी दे बैठे ना तो बीटे अपन जेड़ा कई बुढ़े बातां चीता करे, पर बाणिया को ध्यान के में रहे, बीतोल में रहे ताकड़ी में रहे, बिनु संसारी बातों री परवाह नहीं करे। जीव सुरा ने शस्त्र लीना बनिया लीनी तकड़ी, जीव सती ने लियो सिंदूर और तार गयो जीव मकड़ी, जैसी सती अपने पति रे पीछे जलने वास्ते जावे भी समय वा ये नहीं देखे कि भाई मारा बच्चा छोटा है या मारी माँ है मारी सासू माँ है, एने में छोड़ कैसे पति रे साथ जड़ू, पर भी समय बिन कुछ नहीं दिखे, मेरी टेक एक ही रहे कि पति रे साथ जाए जड़नो, तो वो कोई नहीं परवाह करिए बगैर साथ जाए जड़ जा, भी समय यदि बिने अपने पत्नी री याद आएगी वे भी समय, यानी बिना अपने बच्चों री याद आएगी वे माँ री याद आएगी वे, तो बिरू जलीजे नहीं कायरता जिया वे याद रे साथ में ही, ऐसी टेक भगत्री भगवान में वे जद काम बने। उदाहरण दिया ज्यू कामी ने कामन प्यारी लोभी ने दमड़ी, लोभी ने धन की तो प्यारो है बहुत धन प्यारो है, लोभी ने रात दिन बस चिंतन कह को रहे धन रो ही रे रो यू गिण तो ही रहे हिसाब किताब करतो ही रहे 24 घंटा बीर नी धन में ही रहे। लोभी ने धन प्यारो है, कामी ने कामन प्यारी है, अमली ने अमल प्यारो है। मैं संत उदाहरण दियो बाणी में, कोई अमली आदमी हो रस्ते रस्ते जातो रस्ते रस्ते जातो जना बीच एक दो दिन री यात्रा ही वो तीजारो फिजारो निटको निटको जन बीर वो नसो उतर को पूरो ही नसो उतर को जन वो क्यों अब कहीं करा इतनी समय में रस्ते रस्ते से बाहर गट्टो बनी उड़ा ना ऐसे कोई गट्टो बनी उड़ा और वीर माते चार पांच आदमी बैठा भी गट्टे रे माते एक दो जना बैठा जी का मूंज भिजो उड़ावा मूंज वे ना मूंज भिजो एक तरफ रखी मूंज रोज को पानी वे ना वो तिजारा दी थरी दिखिया वो कहीं के एक छोटे से ऐसे डबड़ो हो भी मैं बूटे वो जटे ढड़ा नहीं बूटे जाए थम को वो अमली जो को था क्यों आ रही हो लाई बीरो नशो उतर गो वो क्यों अटे अपाने अमलिया तिजारो मिल सके अठे कासा लोग बैठा है वो आओ तो पूछियो कहीं कि है कहीं मामलो एक समझदार आदमी वो क्यों बोल जो मती इन नशो उतर गो है और इन बार ना दे दी तो ये हम दो ही नीचे ही बढ़ जाए लो वो क्यों है सा अबार की नशो करियो हो और वो मूंज रो पानी जो बुट पड़ी हो ना थोड़ो कोई गड्ढे में वो मूंज रो ओ ओक्षा वो पानी की ओ पड़ी हो साथी जा रो थोड़ो पी लो हाँ बीरे तो और कहीं जो बो तो भी मूंजरा पानी ने पीर खेकारो करने वालो साहब बीर बेगो बो तो ऊर्जा आएगी भी तो ऐसे ही अमली ने अमल प्यारो भगत ने भगवान प्यारा समझाने रे वास्ते प्राणी मात्र बात समझ में जावे ये कारण ये संत उदाहरण दिया है। आगे लिखिए ज्यों दीपक ने तेल प्यारो और पावक ने छवरी दीपक ने तेल की तो प्यारो यदि तेल नहीं वे तो दीपक बुझ जाया करे भक्ति दूर कर देवे भगत ने संताओं दूर कर देवे तो वो भक्त्री ऐसी दशावे जैसे बिन तेल रो वो दीपक बिन दीपक बिन तेल प्यारा और पावक ने छवरी
अग्नि ने छौरी कितनी प्यारी, एक दिन गली पड़ते ही पूरी राख कर दे, जैसे मछली ने जड़ कितो प्यारो है, मीरारी दशा भी मछली दी तरह ही। सुख सारण जी महाराज अपनी बाणी में लिखियो, जैसे रे मीन रे वे जल माई, जैसे रे मीन जल निठिया मर जावे वे, जल निठिया मर ए सोरे हेत गुरा संग राखो, ए सोरे हेत जद थारी बोलप जावी वे, जद थारी बोलप जा। जैसे मछली ने जल की तो प्यारो है, मछलीरी जो स्थिति बिन जलवे में मर जावे, ऐसे ही मीरा भी स्थिति री भक्ति बिन भक्ति थी प्यारी लगे। जैसे तालाब में मेंढक भी रहे, कच्छप भी रहे, मछली भी रहे और जलीय जीव भी रहे, बाकी तो पानी दूर भी रह सके, काश वो बाहर भी रह सके, पर मछली जो है वो जल से बाहर निकलते ही प्राण त्याग दिया करे। बिरु जीवन ही जल है, ऐसे ही मीरा जैसे परम भक्तारो जीवन भक्ति हो, दूसरी बेन चीजों कोई लगाव नहीं हो। जद मीरा क्यों है बाबूजी ये अच्छी नहीं लगे, मीरा रा ऐसा भाव भरिया पद सुन और राव दूदा जी रो हृदय जो पड़गड़ दो, दूदा जी के बेटा मैं जीवित हूं जब तक तो थारी शादी करने नहीं दू, पण ये वादो है मारो, मैं जब तक जिंदो हूं जब तक थारी शादी नहीं है, पर मारे ग्यारे बाद में मैं तो बुढ़ू, कल फिर चलो जाओ, फिर तो थारी ये बड़ा थार पिताजी ये शादी कर दे, पर मैं हूं जब तक ये गारंटी ले तू कैसे भी भक्ति कर, तुम कोई मना नहीं, पर मैं बुढ़ू हूं बेटा याद रख जे, यदि जबरदस्ती भी सारे साथ ये शादी कर देवे ना तो तू मना मत कर जे, सबने नाराज मत कर जे, तू शादी कर लीजिए शारीरिक रूप से तो, पर थारो मन परमात्मा के चरणों में सर्वस्व दे दीजिए, मन थारो भगवान में राख दे, थारी भक्ति खूब उत्तरोत्तर बढ़ दी, ये बेटा मारो आशीर्वाद है थने। सजनों समय वाई समय बीती, जेमल जीरो महाप्रयाण यानी जेमल जी बस वृद्धा अवस्था में पतो चल गो भाई आज अब शरीर नहीं रहे, और मीरा रा दादो जी मृत्यु शैया माते, हाँ अब दिवंत अंतिम समय कुछ तकलीफ हो रही शरीर मेरे से उमना दुमना, धीरे धीरे बोल रहा आया घर बाकी सब लोग, आपरी कई इच्छा है, सब घर का पूछे इच्छा कहीं, मारी इच्छा है एक बार जेमल ने और मीरा ने मारे पास मिलाओ, धन्य है भाई ऐसे बूढ़े माइतों ने जो अपने पोता ने अच्छा संस्कार दे रहे हैं, बुलाया पास में, हाँ आप बोलो जेमल, दूदा जी कहे जेमल, प्रथम जेमल ने कहे, हे जेमल एक बार तो ये वेशभूषा उतार और थने एक क्षत्रिय री वेशभूषा में मैं देखनी चाहूं। जेमल जी गया और छोटा वो तो बिल्कुल अस्त्र शस्त्र कोड़ो क्षत्रिय री वेशभूषा कर, अंत समय में राव दूदा जी की जेमल मारो यही कहनो है कि जीवन पर्यंत धर्म रो साथ दईजे और अधर्म रे विपरीत में रहीजे, धर्म ने धारण कर जे, अनीति और अधर्म रो कभी साथ मत दईजे, भक्ति कर जे, ये नहीं कि तू राज काजरी में बहुत अड़ू जावे भगवान की भक्ति छोड़ देवे, तू एक शिरोमणि राजा वे पर तू भगवान की भक्ति रो नियम और प्रण मत छोड़ जे और भाव प्रेम रे साथ में तू जनतारी देखभाल कर जे, क्योंकि आने वाले दिनों में वीरम देव रे बाद में मेड़तारो राज तने मिलेला और गरीब जनतारी सेवा कर जे, यही मारो कहना है। जेमल रे दादो जी आशीर्वाद दियो हो, बे शब्दा ने जेमल जी पूरा भी करिया हा, चार घंटे राम राम करता बीच में उठता नहीं हा, सुनी ही आगे मेड़तारी सेना आक्रमण कर दियो, जेमल जी ध्यान में बैठा हा,
माँ कहे बेटा ये भविष्य की बात है, आगे इतिहास में भी हुए सो। मंडोरी सेना आई है, चिंता मत कर, जिको राम जी पूरी दुनिया ने रुखाड़े बीरू मेड़ तो छानो नहीं है, जेमल जी रे वास्ते भगवान कृष्ण बार छड़न आया है। जी कुल में ऐसा भक्त पैदा हुआ है, विकुल ने धनी है। जेमल और मीरा पास में ऐसे खड़ा है जैसे भगवान कृष्ण और बहन सुभद्रा पास में खड़ी है, ऐसे प्रतीत हो रहा। जेमल जी ने अच्छी शिक्षा दी। हाँ दादो जी, मैं आपरा बचन जीवन भर नहीं भूलू। मीरा ने भी कहो, हे मीरा, परिवार लोग कहे जैसे तू विवाह कर लीजिए, तू कुछ लड़ाई झगड़ो ऐसो कुछ मत कर जे, और मन थारो परमात्मा में समर्पित राख जे, और भगवान रा भजन गाई जे, भगवान री भक्ति कर जे, और अपनो कल्याण कर जे, ये आशीर्वाद दिए। देखो भाई, बूढ़ा बड़ेरा तो है ना, कहे जो बिछा अच्छी शिक्षा दे, कहीं शिक्षा देवा अच्छी शिक्षा तो पाम खुद में अच्छी को छोटा कह दे, बीड़िया ला रहे जा, गुटका ला रहे जा, कई कई तो एड़ा है जिका कहे जा ठेका मातू दारू री बोतल ले। शर्म करनी सजनो, ये आपस ये अपनो जीवन रही तो कैसे बात बनेला। बीड़िया नो कहते जा बंडल दिया के, अब आ कौन ठाके मत कितो ईरो बुरो प्रभाव पड़े, कितो गलत ईरो प्रभाव पड़े है। बुढ़िया लोगा ने विशेष निवेदन रह लो कि अब तो बाकी सब चीजा छोड़ दो, आप राम भक्ति री तरफ लाग जाओ और अपनी राम भक्ति स्वयं करो, और अपना बेटा पोता ने भी अच्छी शिक्षा और संस्कार दो। कहीं यो बुढ़िया तालिया कौन बजे को नाराज नहीं है, तो कहो अर्थ ये है, मैं बात समझू हूँ आपरी, पर कहने रो अर्थ ये है कि भाई ये उपदेश दिया है मीरा ने, और अंत में मीरा ने जब ये आप महाप्रयाण गयो हो धाम पधारिया हा, राव ये कई नाम है रो राव दूधा जी महाप्रयाण इस समय ये भी कहो हो मीरा अब तू ऐसे कर के अंतिम समय है मारो, और एक मने तू पद सुना दे। थारो पद सुनते सुनते मीरा गाती ही भी समय भगवान रा भजन, और मीरा रा ये शब्द, मीरा रे पास में एक मिथुला नामरी दासी रहती, मिथुला नामरी दासी रहती, मीरा रा सारा पद वा लिखती ही वा पढ़ी लिखी, तो के एक पद सुना दे माने। मीरा कहे ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, पूरब ले पुन पायुरी प्राणी, पूरब ले पुन पायुरी प्राणी, मानव जन्म अवतार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ये जन्म फिर नहीं मिलने वालों है, धन भागी है जाने मानो जीवन मिलियो है। अपने दादाजी री ये स्थिति देख और मीरा ये गा रही है, और सारे परिवार लोग ध्यान दे सुन रिया है। गर्भ में तुम कोल की ओरे भूलो फिरे रे घीवार, मेरे रामा भूलो उतर काई देवसी रे, उतर काई देवसी साहिब रे दरबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बावस, घटत पल पल बढ़त छिन छिन जाता नी लागे वार, मेरे रामा जाता नी ला, तरवर से फल गिर पड़ियो रे, तरवर से फल गिर पड़ियो बवरी ने लागे उन डाल, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार।
ये सो नहीं है जन्म, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। ये मां मीरा रो पद आज भी प्रसिद्ध है। ये जन्म फिर नहीं मिले सजनों, ये बहुत महंगो जीवन है, हीरारी तरह जीवन है। दरियाव जी महाराज कहे हीरारी कीमत कौन समझे है, हीरारी कीमत कोई जौरी समझ सके है। ये मानव जीवन की कीमत कोई संत ही जानी है, जिका जौरी रूप में विया सजनों। गर्भ में कोल कियो रे बोलियो फिरे गिवार, उत्तर काई देव श्रे मालिक रे दरबार। एक दिन जानो है मालिक रे दरबार, फिर जवाब काई रे अपने पास में। घटत पल पल और बढ़त छिन छिन जात नहीं लागे वार, जाता वार नहीं लागे भाई, वार यानी समय काई पता चले है। जीवन कद पूरा हो जावे, कद समाप्त हो जावे, कितनी भी सुरक्षा कर लो, जीवन तो एक दिन जाने वालो है। हंसलो तो उड़ने ही वालो, चारों तरफ आप अपने मकान रे बड़ा परकोटा गंचाई लो, चारों तरफ सैनिका ने खड़ा कर दो, अस्त्र शस्त्र ले ही खड़ा कर दो, कहीं थाम सके जीवन कोई, कोई नहीं थाम सके। महाराज लिखियो मानु जड़का बुदबुदा, पानी री पोटा, दादू काया कोट में मेवासी मोटा। जल रे बुदबुदे री तरह है, अल्प जीवन है। एक बड़ा सेठ हो, बीच में आपने उदाहरण देऊं, एक बड़ो सेठ हो, जन सेठ रे एक ही बच्चो हो, सेठ भी समय धन धान्य संपन्न हो, धन धान्य संपन्न हो जना, कोई संत घर पधारिया है, संत पधारिया है जना, जी दिन जन्म यो बालक रो भी दिन संत पधार गा। योग अच्छो बनियो सेठ जी कहे बाप जी ये बच्चा रो जन्म यो है, घर में नयो मेहमान आयो है, इरी कुछ जन्म पत्री या कुछ देखो ना, इरो जीवन कितो है, कितनी समय तक वो संसार में रही। संत विवेकी हा, वो आगे पीछे री सारी जानकारी रखने वाला हा। मेरे बच्चा ने देखते हैं कह रहे सेठ के हाँ, सच क्यों किया झूठ, सच ही क्यों मारा। तो सच तो ये है, थारो बेटो शादी करने जाए, सिंगरे द्वारा इरी मृत्यु हो जाए। केरे द्वारा मृत्यु हुई, सिंगरे द्वारा। एक तो कहीं करूं, एक उपाय है कि हाँ मन दे दे ही नहीं। और भक्ति रो ऐसो इन्हें मैं भेव बताई दे, भेद बताई दे, ये मुक्त हो जाए। एक उपाय है, क्योंकि जो शिरोमणि संत भी आ करे, साधारण नहीं, शिरोमणि महात्मा वे ना, वे रेख माते मैक मार दिया करे। थारे कंदरे जने से मृत्यु हुई, पण अपने एक बेटा ने कौन देवे भाई बताओ, क्यों वे जिंदे क्यों जाई मरा दियो, थे शादी रो को शादी करा ही कौन अपन का ही। अब मैंने खुदरी बाबूदी लगावे, खुदरी होशियार की लगावे, वह समय बीती की शादी करी नहीं, शादी करी नहीं तो भाई वे देखो कि फिर तो माता पिता भी वो लोग प्रगट है गौर के भाई इन्हें शादी नहीं करा, बिंद नहीं आई, सेवा कौन करी, रागे रो कहीं भाई, ये सारो बहुत जाल रची और क्यों शादी तो करनी पड़ी। पर शादी संत के योग भाई सिंगरे द्वारा मृत्यु हुई, यूं करो कि सेनारी पूरी छावनी लगाई दो, राजा रे और सेठ रे बड़ो प्रेम जनकियो के, पूरी जो बारात है, बारात तो मध्य में जावेला और बारात रे चारों तरफ इधर और इधर दोनों तरफ पीछे और आगे सेनारी टुकड़ी देवेला, हथियार बंद हथियार लेस, आय कड़नु सिंह आय कड़नु, देखो वो बुद्धि लगाई है। पर केवेश भाई होनहार बलवान कर्म गति ल्यारी, लिख दिया जो विदाता लेख में टड़े नहीं थारी। सेनारी टुकड़ी चारों तरफ दाई बाई आगे पीछे जा रिया है, तोरण माते जैसे ही जाऊने लागार वो तोरण बांधने लागो, बीच समय एक सैनिक भी पास में निकलियो, जीरे पीछे ढाल ही ढाल पेरिया करे ना, पीछे ढाल ही ढाल रे माते शेर रो मुंडो हो, शेर मंडियोड़ो हो। अभी राजकुमार ने पतो भाई अपने कीड़ो शेर द्वारा मृत्यु हुए, पिता ने पूछो भी शेर ने देखते विरोध काल जो फाटगोर बुटी मौत है, कहीं करे बताओ भाई, भी ढाल रे माते शेर दिखे और मेरी मृत्यु होगी। ये काल बड़ो अपरबल है भाई,
मनक आपरी बुद्धि लगावे, मिनक आपरी जो सूझबूझ लगावे, पर बा सूझबूझ कठे रहेगी भाई धरी रह गया। जन कहे किला बनाऊं कोट बनाऊं बांधू बंद हजार, गाइए किला बनाऊं कोट बनाऊं बांधू बंद हजार। ब्रह्मानंद रहेगा नाई ब्रह्मानंद रेवेगा, निकल जाए बलधार रे निकल जाए बलधार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे इतबार, तू तो उड़ता पंछी यार तेरा कौन करे इतबार। बोलो राम जी महाराज की। सजनों ये हंस लो तो एक दिन उड़ ही जाए। मीरा कह रही है भव सागर अति ऊंडो भरियो बह रहो मंझधार, राम नाम री बैठो नैया में, राम नाम री बैठो नैया में, उतिरो भव जड़ पार, ये सो नहीं है जन्म बारंबार, ये सो नहीं है जन्म बा। लिखे काम क्रोध मध लोभ मेरे मोह बंध्यो संसार, दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर, केवल नाम आधार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार, ऐसो नहीं है जन्म बारंबार। ये पद सुनायो अंत में जो राव दुदा जी की सुरति राम नाम में लागी, और नाम नाम में सुरती लगी, और धीरे धीरे जैसे दीपक री ज्योति लो बुझे है सजनों, वैसे वैसे शरीर शिथिल तो गियो, और कहे भाई 75 वर्ष री आयु में राव दूदा जीरो महाप्रयाण गियो हो, और मीरा रा पद सुनता सुनता भगवान री परम धाम में अच्छी गति जो वही है सजनों। बोली राम जी महाराज की। और अब बेही दिना में कहे भाई 38 वर्ष री आयु, इधर तो वो राव दूदा जी चलिया गया, और 38 वर्ष री आयु में मेड़तारो जो राज है वो राव दूदा जी रा सबसे बड़ा पुत्र भीरम देव जी 38 साल री जी का जैमल जी रे पिताजी है, 38 साल री आयु में राज सिंहासन एने मिलियो, एने गादी मिली ही, फिर बाद में ए राज करियो हो।